आप लोग युवा वर्ग, युवा वर्ग पढ़े लिखे शिक्षित है परंतु क्या है, बेरोजगार है कि नहीं, बेरोजगारी बहुत है। और दूसरी बात, आप लोग क्रिकेट प्रेमी है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई धोनी बनना चाहता है, तो क्या आपने कभी सोचा कि इस खेत में खेलने से विराट कोहली बन सकता है? नहीं बनेगा। तो इसके लिए कोई कोई नेता ने कभी सोचा? नहीं सोचे। परंतु हम एक सैनिक हैं, हम यहाँ जो सिस्टम देखा बहुत खराब लगा, तो हम चाहते हैं कि अगर आप लोग सहयोग करें तो इस बार हमें 2019 में सांसद बनाए, तब मैं आपके सपनों को साकार करूंगा। मैं वो कैसे करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टेडियम बनाऊंगा, जगह में जान पंचायत एरिया है वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाऊंगा जगह जगह में, ताकि आप लोग उसमें से क्रिकेट खेलें, बढ़िया से कोचर हो, आपको खेलने की बढ़िया ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सब सरकारी सुविधा होगा, आपको पैसे खर्च नहीं कर, प्राइवेट सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ सरकारी होगा। उसके बाद खेल मंत्री को बुलाया जाएगा, जो अच्छे ट्रेनर हैं खेलने वाले उनको मौका दिया जाएगा, उनको यहाँ से बढ़िया, हम खेल मंत्री को बोलेंगे भाई हमारे यहाँ खिलाड़ी है महाराजगंज जिले के, इनको टेस्ट लीजिए, अगर अच्छा खेलते हैं, धोनी जैसा खेलते हैं, विराट कोहली जैसा खेलते हैं, तो इनको नेशनल लेवल में भेजिए। हमारे ये सब गौड़ गड्ढी के युवाओं को एक मौका मिलना चाहिए, ताकि गोल्ड मेडल ना सही, कम से कम कांस्य पदक सिल्वर मेडल तो लेकर आएंगे। ये मेरा, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ये सैनिक का वादा है। आप जिस दिन से आप लोग का सहयोग मिला और मैं सांसद बना, तो आपको मेरा वादा है कि आपको नेशनल लेवल में भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे भी बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होंगे जो अंदर अंदर समझते होंगे कि अगर मुझे मौका मिल जाए मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन किसी ने कोशिश की जानने की नहीं। बाद में क्या पता चलता है कि आप किसी ने किसी दूसरे रोजगार में लगे हो। आदमी जो क्रिकेट खेलता है, जो भी लड़का, जो भी नौजवान क्रिकेट खेलता है, वो अपना 10 साल 15 साल उस क्रिकेट क्षेत्र में गंवा देता है, और उसके अंदर इतनी बढ़िया हुनर हो जाती है कि वो किसी को भी चैलेंज दे सकता है। लेकिन इस पे किसी ने कभी वाच नहीं किया, जो भी महाराजगंज का बड़े लीडर हुआ वाच नहीं किया। अगर वाच किया होता तो आज राणा जी को इस मैदान में घुसना नहीं पड़ता। इन्होंने देखा कि यहाँ के जितने बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, बढ़िया बढ़िया शॉट खेलते हैं, उतना बढ़िया शॉट तो धोनी नहीं मार पाएगा, लेकिन वो मारता है तो लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट है, क्या इसमें से नहीं कोई मार सकता है? लेकिन कोई देखने नहीं आता है। बड़े लेवल के लोग जब तक उस पर अपना फोकस नहीं डालेंगे तो आपके सपनों को वहीं दबाया जाएगा। और आपके हाथ में इस बार युवाओं का नारा पूरे जो है।